कमर का पीस है, पीस पे अच्छे से पक रहे, अच्छे से तरीके से टूट रहे हैं और टेस्ट है, सॉफ्ट है मटन। ये इसको ना मसालों को हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आज फिर से आपके लिए एक मटन की जो रेसिपी है वो लेके आ चुका हूँ आपके पास। ये जो रेसिपी होने वाली है मटन की, वो बिल्कुल हमारे देसी स्टाइल में जो मटन बनाते हैं वो रेसिपी होने वाली है। सरसों के तेल में ये मटन बनाएंगे। काफ़ी भीड़ होती है, रात को मैं आया था कुछ दिन पहले, तो ऐसे ही जो देसी स्टाइल मटन बनता है वैसा ही मटन है। आप प्राइस देख सकते हैं, 3 पीसेस मटन करी के 200 में है, 3 पीसेस जो चिकन करी है वो 130 में है, 200 रुपये में 4 पीस है, मटन कबाब है 250 रुपये के 8 पीस। तो ये सब बोनलेस चिकन भी देते हैं ये, ठीक है ना, बोनलेस चिकन भी देते हैं, मटन भी देते हैं। बोनलेस चिकन ये 240 का देते हैं और मटन जो है ये रॉ मटन 650 का देते हैं। राजा पार्क में बेसिकली जगह है मिल्की वे जस्ट मेरे राइट से, तो जो लोग मटन के शौकीन हैं रात को, और राजा पार्क बहुत ज़्यादा फेमस जगह अपने में वैसे भी है, तो ये स्पेशली ब्लॉग उन लोगों के लिए जो राजा पार्क रहते हैं या जवाहर नगर रहते हैं, बर्मिस कॉलोनी रहते हैं, आदर्श नगर पीछे रहते हैं, सी स्कीम रहते हैं और इस तरफ ये उनके लिए पास पड़ेगा, तो डेफिनेटली बाहर के लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ करके। कैसा है खाना, क्या नहीं है, ये सब हम देखते हैं चल के। क्या बनाने जा रहे हो आज? ये देसी स्टाइल में मटन, देसी स्टाइल मटन बनाने जा रहे हो। क्या डाल रहे हो आप? अच्छा, ये अपने ये खड़े मसाले हो गए, जावित्री हो गया, ये लौंग हो गई, लौंग, ये 3 बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची है, ये भी दालचीनी, दालचीनी हो गई, काली मिर्च और छोटी 2 इलायची, काली मिर्च हो गई अपनी, अच्छा ये तेज पत्ता है, ये मिर्च, ये सब किलो मटन बनाओगे आप? 1 किलो। 1 किलो बनाते हो, कितनी खपत हो जाती है रोज की? रोज कितना बिक जाता है? 3-4 किलो। 1 किलो एक बार बना रहे हो, मतलब ये ज्यादा नहीं बना रहे? अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो जंगली लाल मांस है बेसिकली अपना ये। कहाँ के रहने वाले भैया? बेंगाल में कहाँ से? बेंगाल के भैया, कुछ भी आप जलपाईगुड़ी के पास से? हाँ उधर पास में, उसके पास ही। ये डाल रहे हैं इसमें तेल, सरसों का तेल डाल रहे हो आप इसमें? हम 1 किलो में 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल डालेंगे। 1 किलो मटन बन रहा है सिर्फ आपके लिए अभी, तो बन रहा है वैसे इनके 4-5 किलो ये रोज खपत हो जाती है, और नया खोला है उन्होंने जबकि। प्याज 1 किलो मटन में? 1 किलो मटन में 300 ग्राम प्याज, 300 ग्राम प्याज हम आइडिया से ले लेंगे। अभी पूरी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं चैनल पे। नोमैडिक मेन्यू पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिल्की वे जो सामने ही है राजा पार्क, मिल्की वे बहुत ही फेमस जगह है ये, तो उसकी गली के अंदर ही आप आओगे तो यहाँ पर मीट एंड चिकन शॉप है। तो ये सबसे पहले तो ये खड़े मसाले डाल जी, सबसे पहले खड़े मसाला डाल दिया आपने, इसके बाद हम प्याज डाल, ये इनकी शॉप है जहाँ पर ये काफी और भी चीजें देते हैं, रॉ मटन, चिकन, फिश, और क्या क्या देते हैं भैया? क्या क्या बिकता है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल चिकन, मटन, फिश। फिश कौन सी दे रहे हो? फिश को सुरमई। सुरमई क्या रेट है उसका? 450 450 का 1 kg, मटन 650 का 650 और चिकन 220 बोनलेस या विद बोन? नहीं, विद बोन, विद बोन बोनलेस। और कुछ भी बेच रहे हो यहाँ पर? कबाब वगैरह, कबाब
अच्छा सब बेच रहे हो आप, तो सारी चीजें बेच रहे हैं और काफी हाइजीनिक शॉप है इनकी, तो आप आके ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर और भी चीजें ले सकते हो। ये बना रहे हैं, मतलब ये काट रहे हैं, और सफाई जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कमर कटी इसकी और कमर का पीस है, तो चाप और कमर के पीस डाल रहे हैं अभी। ये तो देसी घी के अंदर भी अगर मटर बनाना है आपको, तो वो आप अपना देसी घी लाके दे सकते हो इनको। 1000 रुपए के अंदर ये बनाते हैं सरसों के तेल के अंदर। तो देसी घी का जो भी हो गया मेरे हिसाब से शायद 1 किलो, एक किलो तो नहीं, 1 किलो मटन के अंदर शायद 250 ग्राम या 200 ग्राम तो देसी घी लगेगा, तो आप उसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छी एक वो है। इसमें हम जा रहा है हमारा मटन, ये 1 किलो अप्रॉक्सीमेटली मटन है, और प्याज लगभग 300 ग्राम के आसपास है। पर लोग आजकल वैसे देसी खाना और ये सब भी पसंद है, चाहते ही खाना कि भाई ये नहीं वो सही मिले ऐसा खाना। हाँ, ये हमने इसलिए चालू किया, हमने तो क्या लगा आपको, मतलब जिस समय कि कैसे, मतलब ये आइडिया आया आपको? ये बात क्या, पहले हम ऑर्डर पे बनाते थे। अच्छा, जैसे किसी ने बोला 1 किलो बनाना है हमारा, शाम को 7 बजे आएंगे लेने, ठीक है, तो हम टाइम दे देते थे, ठीक है बना देंगे। तो इस हिसाब से कोई बीच में अगर जैसे बाहर बैठ के बनाते थे हम, कोई पूछने आते थे भैया मैं अकेला आदमी हूँ, 3 की चीज मिल जाएगा, तो हमने कहा भैया हमने तो किलो के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, फिर इसी चक्कर में दिमाग में ही आया कि भाई अगर ऐसे बना ही दिया हम तो पूरा एक काउंटर बना के हम पूरा प्रॉपर काम करें। अभी मटन को फ्राई कर रहे हो आप? भून रहे। बढ़िया बढ़िया। तो पहले आप मतलब कि क्या कहाँ काम करते थे? पहले मैं होटल टपरी, होटल टपरी में थे यार, तो वहाँ ऐसा वेंडर थे यार। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद गांव चले गए थे, तो लॉकडाउन में मतलब काम नहीं था। उसके बाद हमारे को देखते ही पता चल जाएगा, जब सिर्फ बुनाई करते रहोगे आधे घंटे तक। अच्छा, उसके बाद उसमें मसाला सब डाल दिया। ओके ओके, बुनाई इतनी अच्छे से हो रही है, काफ़ी ये अभी हमारा भुन रहा है मटन अपना, और बढ़िया लग रहा है इसके तो पका, वैसे ही काफ़ी पक तो ऐसे ही रहा है, ये मसाले में पका, गला नहीं है पर ये अभी नहीं, गला नहीं है। तो पहले ये पका रहे हैं और मटन को थोड़ा ज़्यादा पका रहे हैं। तो ये भुनाई हो चुकी है, इसके अंदर अब डल रहा है देखिए हरी मिर्च, टमाटर भी एक साथ डाल दिए इन्होंने। कितने टमाटर है अप्रॉक्सीमेटली? टमाटर इसमें भैया मीडियम साइज के 3 टमाटर, मीडियम साइज के 3 टमाटर मिले किस वगैरह वो हिसाब से टोटी को डाल दिए आपके स्वाद अनुसार मिर्ची। ठीक ठीक ठीक, तो लाल, ये लाल मिर्ची है जो ये ऐसी मिर्ची आएगी कि इसमें पेस्ट बन जाएगा, ये पेस्ट नहीं बनेगा ऊपर आएगा, ऊपर आएगा करिए बेसिकली, थोड़ा तीखा मटर है ये, देसी स्टाइल में हमारा मटन देखो बन रहा है, अच्छा लग रहा है ये। और मसाले जब डलेंगे इसमें लाल मिर्च वगैरह, और जो मसाले डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च हो गई अपनी, हल्दी, धनिया, दही गरम मसाला दही के साथ जब, अच्छा दही में मिक्स कर दोगे अभी और अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डाला इसके बाद डालेंगे। ओके ओके, तो मेरे हिसाब से जो जिस तरह बन रहा है उस हिसाब से अच्छा होगा टेस्ट। गली नंबर 5 है ये, मिल्की वे बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, मिल्की वे किसी भी पूछो बता दें कोई जामुन, मिल्की वे जस्ट 7 में ही है, बोरा मिल्की वे दिखाई आप। ये ढक दिया है, अब ये कितनी कम फ्लेम में कि ज़्यादा फ्लेम में? 7 मिनट बाद देखते हैं। अच्छा, एक बार देखते हैं, बेस फ्लेम में बना लो आप, कम की फ्लेम में बना लो। जी जी, जो पहली लॉकडाउन लगे थे उसके बाद दूसरा लॉकडाउन एक और लगा, हाँ उस टाइम ये शॉप खुला। तो क्या तकलीफ रही आपको, मतलब ये सब काम करने में? तकलीफ ये रहा किराया, हम यहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए काम करने के लिए, तो उस टाइम जॉब भी करते थे तो लॉकडाउन की वजह से जॉब नहीं था, हट गया था। हाँ, और उससे पहले के एक्चुअली गांव गए थे, और जैसे ही आए उसके 2 दिन या 3 दिन बाद लॉकडाउन लगा तो होटल वालों ने भी मना कर दिया हमारे। अच्छा, हम यहाँ पर किराए पे रहते। ओके, तो
अगर काम नहीं करेंगे फिर किराए कैसे पड़ेंगे। सही है। तो ये इसीलिए यहाँ पर मैं 6,000 रुपये में आया था नौकरी में। अच्छा, छः हजार मेरा रूम किराया था। अच्छा, तो घर पे बैठे रहने से बढ़िया कुछ तो मिलेगा। सही है। तो 6,000 रुपये में आपके रूम का किराया 6,000 रुपये था। 6,000 रुपये था और अलग से पैसे मिलते थे 6,000? नहीं, कुछ नहीं मिलता था। नहीं, कुछ नहीं मिलता। 6,000 रुपये तनख्वाह मेरे को यहाँ पर मिलता था। अच्छा, यहाँ मिलता था पूरा महीने का। और रहने का वहाँ पर? रहने का जो हम रहते थे वहाँ पर वाला किसी का रहते थे मकान। अच्छा। उनको 6,000 रुपये हम देते थे। अच्छा, यहाँ से पैसे लिए किराया उधर देते थे। फिर और एक्चुअली बचता कुछ नहीं था एक्चुअली। क्या मेरी मम्मी और मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरा दो लड़की है। अच्छा। हाँ, तो मेरे मम्मी भी काम करती है, मतलब जैसे घरों में बर्तन, पर मेरी मिसेज जो घरों में खाना बनाते हैं। अच्छा। उनकी वजह से चल रहा है। ओके। और अभी भी ये दुकान सरदार जी ने, जो मेरा सेठ जी है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने ही अभी भी साथ दे रहा है मेरा, जो तू करके कुछ बंद कुछ कर लो, मतलब हाँ कुछ कर लो, मैं तेरे को ये दुकान दे रहा हूँ, तू कर ले अपने। ठीक ठीक। बाकी अभी भी जो भी कस्टमर है अपना वो लेके मेरे पास ही आता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में खुशबू अच्छी आ रही है। टमाटर जो है इसमें ढंग से घुल रहे हैं, पानी इसका सूख चुका है 70%, थोड़ा सूखना बाकी है ना। और थोड़ा सूखने के बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, खोल के पकाओगे इसको? खोल के फिर होगा। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, देसी मटन का स्टाइल है ये। मैं भी खैर खुद भी बनाता हूँ ये, तो मैं मटन कोरमा ज़्यादातर बनाता हूँ, वैसे दाल बास बना लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा आपका स्टाइल थोड़ा सा एक मुख्तलिफ है, थोड़ा डिफरेंट है जी। लाइक इट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लहसुन का पेस्ट, ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच ले लेते हैं इस चम्मच से आपको। ये दही ले लिए इन्होंने 4 चम्मच दही के अंदर। दही पावर होगा 200 ग्राम दही पावर, पावर दही है इसके अंदर। नमक ले लिया है, अपने आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और 4 चम्मच छोटा चम्मच, जो 4 चम्मच में छोटे वाले धनिया है, और हल्दी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और लाल मिर्च 1 चम्मच। उसे पेस्ट बना दिया है, बन रहा है पेस्ट। उसके बाद पेस्ट आप उसमें ऐड कर दो। तो गल गया मतलब, पर इतना भी थोड़ा सा कच रहे। ये देखिए, ये जो पेस्ट था हमारा मसालों का और दही का, वो डाल जा चुका है इसके अंदर। और मटन भी ऑलमोस्ट 80-85% गल चुका है। ओके, मसाला तेल ऊपर आ जाएगा। ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो गरम मसाला डाल दो एंड में इसमें थोड़ा सा। जी भाई, डालोगे? सफाई डाल दिया इसको हमने। अब कैसे पकाओगे भैया इसको? फिर अपने आप ढक के रेडी है भैया, 5 मिनट में इसको पीसा हुआ गरम मसाला। तो देसी हांडी में मीट है बेसिकली, थोड़ा पंजाबी स्टाइल में। कस्ती कस्तूरी मेथी है। सही सही, बहुत बढ़िया। पीसेस भी काफ़ी साफ हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब इसको बस खाने वाले हैं हम तुरंत, और खा के आपको ढंग से इसका रिव्यू देंगे। ये पीस ले लिया है, सबसे अच्छी बात है यहाँ फ्रेश बना है, हमारे सामने बना है। और 3 पीसेस होते हैं इसमें ना, 3 पीसेस आपको मिलेंगे 200 रुपये में 3 पीसेस। और सरसों के तेल में बनाया हुआ काफ़ी, थोड़ा हम डाल देते हैं स्टाइल में, जिससे कि ये लीजिए तल्ली का पीस भी हमारा आ चुका है। दिख रहा ना अच्छा भैया आप लोगों को? नज़ारा देख करके नहीं आ रहा, तो चैनल लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। टेस्ट करके बताते हैं इसका। गरम है, पीस बहुत सॉफ्ट है, 200 रुपये में 3 पीस हैं ये। सरसों तेल में बनाया हुआ है, देखिए आप पीस देखिए इसका, बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि टूट रहा हो एकदम, पर अच्छा है।
फ्रेश मटन है हमारे सामने बना हुआ, ऑर्डर भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। ये लिखिए दिया आपने लाल मिर्च के साथ, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है थोड़ा डिफरेंट बताता हूँ मैं आपको, मिर्ची अगर सब डाली, मिर्ची थोड़ी सी हल्की सी कम है, आप ज़्यादा मिर्ची ज़्यादा खा सकते हैं, मेरे लिए परफेक्ट है। और मटन अच्छे से गला हुआ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गला के दे दिया उन्होंने, ज़्यादा भी गला हुआ नहीं, प्रॉपर एकदम बराबर गला हुआ है। और ये भी जो है इसकी एक्चुअली दही के अंदर मैरिनेट करी, तो थैंक यू भैया, वो दही में जो उन्होंने मैरिनेट किया है मसालों को, उसकी वजह से जो टेस्ट है इसका, वो टेस्ट इसमें ऐसा आ रहा है कि मसाले जो है दही के साथ आ रहे हैं, वो दही का फ्लेवर बिल्कुल रम चुके हैं, जो सारे मसाले जो लाल मिर्च हल्दी धनिया हल्दी सब और सब इसमें उसके अंदर मैरिनेट कर लिया था, थोड़ा नींबू डाला हमने इसके अंदर, एकदम एप्ट है, एकदम एप्ट है, घर जैसा टेस्ट है। और देखिए ऐसा नहीं कि ज़रूर ज़्यादा तेल है और ज़रूर ज़्यादा मिर्ची है, ऐसा लगेगा नहीं आपको, वारे से बड़ा टेस्ट लिया मैंने, बता रहा ना देख करके, चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। ये वाकई काफ़ी अच्छा मटन है यार, ये तो देसी हानी मटन है ये, और लाल मिर्च भी इसमें डाल रखी है, मसाले बहुत अच्छे से भुने हुए हैं, तो संडे हमारा बढ़िया कर दिया उन्होंने, प्याज से लिया मैंने इसमें, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से पके हुए हैं, पैन में मसाले डाले हैं तो सही पके हुए हैं, साथ के अंदर इसके जो मैं बताऊँ आपको, इसके अंदर जो एक ये भी है चीज़ की, ये देखिए अच्छे से गला हुआ है, ढंग से आराम से टूट रहा है, बहुत ज़्यादा भी ऐसा पका हुआ नहीं है कि जो बिल्कुल कई बार थोड़ा ज़्यादा पक जाता है। ये देखिए दही मैंने जो मैरिनेट किया वो बहुत अच्छा है, और जो ढाबों वगैरह पर मिलेगा आपको, रेस्टोरेंट में मिलेगा, उससे अच्छा मटन है गारंटी बता सकता हूँ आपको मैं। 200 रुपये में 3 पीस, भैया ने मुझे थोड़ा एक अच्छा पीस डाल दिया, ये अच्छा पीस डाल दिया, और काफ़ी अच्छा, थोड़ा डिफरेंट मुझे ये लग रहा है इसके बारे में कि जो जनरली ढाबों में आपको तीखा मटन मिलता ना तेल भरा हुआ तीखापन, वो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप आके देखिए बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आपका लेके आता रहूँगा, और आप इसको हम कुछ खाते हैं ट्राई करते हैं, अच्छे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू। आत्मा तरफ वाला जो फील है ना, वो आत्मा तरफ लग रही है मुझे कि खा के हो चुकी है।